एजेंडा बुलंद है। खिलाफियों पर गलबा करना दुश्वार है, जैसे भी हो सके उनके परचम को नीचे गिरा दो। जी अमीर। ये लो, बहुत एहतियात करना ज़ायदा। अगर ध्यान से ये काम नहीं करोगे तो ये मेरी मौत का परवाना होगा जो तुम्हारे हाथ में दिया है मैंने। तुम जिंदान से भाग क्यों नहीं जाते मुख्तार? कहीं जुबैरियों के यखनी तुम्हें पसंद तो नहीं आ गई? तुम कब तक उमर के बेटे की तवज्जो बल्कि सफ़े की आजिज़ाना गुजारिशों पर तवज्जो करके अपनी आज़ादी की सिफारिशें कराते रहोगे? ये आखिरी बाजी है ज़ायदा। अगर मैं जिंदान से भाग जाऊं तो जुबैरियों को मेरे खुरूज की खबर मिल जाएगी, सारे जहां को पता चल जाएगा कि मेरा क्या इरादा है। दुश्मनान अली ऐनुल्वता में तवाबीन के कत्लेआम के बाद इस बात पर यकीन रखते हैं कि शियों का खतरा ख़त्म हो गया है। इसी यकीन पर रहें तो हम सब का फ़ायदा है। तन्हा दोबारा मिलने की तमन्ना ही हमारे चाक दिलों को तसल्ली दे सकती है। सुलेमान, मुसय्यब, बिन वाल और बिन साद मरे नहीं हैं। वो लोग सूरज की शक्ल में सुबहों के वक्त रोजाना ता कयामत तुलू करते रहेंगे। वो लोग हर नेक जुबान का नगमा बनकर जिंदा रहेंगे। अगर हम भी दीनदारी और खुलूस में उनके जैसे होते तो हमारे उरूज के पर न कटते। अभी बहुत सी ऐसी राहें हैं जिन पर हम नहीं चले हैं, बहुत सी बातें हैं जिन्हें हमने सुना नहीं, बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जिनका हमने इकरार नहीं किया, और देखने की बहुत सी चीजें जो हमने नहीं देखी। तवाबीन, आज के बाद से एक और जिम्मेदारी अपने सर ऊपर रखते हैं। हमें ऐनुल वर्दा और करबला के खून का इंतकाम एक साथ लेना होगा। अब हम अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। हमें इन सूखी हुई और उजड़ी हुई जड़ों की दोबारा अभियारी करनी होगी। इस तहरीक को अब आगे बढ़ाना
दोबारा कुव्वत जमा करने पर मशरूत है। हमारी खबरें आप तक पहुंचाने वाला शख्स बसरा में मुसन्ना बिन मखरबा और मदाइन में बिन हुज़ैफा होगा। हमारी तमाम खबरें इन लोगों के जरिए आप सब तक पहुंचेंगी। जाइए जाइए, कुछ जान ताजा कीजिए और अपने आप को बनाइए यहां तक के फिर उठें। खुदा के हवाले मेरे भाई। खुदा की पनाह में मेरे भाई। दुरूद हुआ ऐन अलवर्दा के थके मांदे मुजाहिदों पर। मैं अबू इसहाक मुख्तार सकफी की तरफ से खत लेकर आया हूँ। मुख्तार, खुदा उसकी गलतियों को माफ ना करे। अगर मुख्तार तवाबीन की मदद के लिए आया होता तो ऐन अलवर्दा की इस जंग का नक्शा ही कुछ और होता। दुरूद हुआ ऐन अलवर्दा के शेर दिल मर्दों पर। हवा ने आपकी शुजातों की खबर सारे जहान में फैला दी। शायरों ने आप लोगों की मधोसना में वो बातें की हैं कि आवाम हैरान है। दुरूद हो आप लोगों पर। बहुत शर्मनाक है। क्या लिखा उसने रुफा? सरासर झूठ। हमसे चाहता है कि उसकी बैत कर लें। कट जाए वो हाथ जो मुख्तार की बैत करने को तैयार हो। रुफा है, खुदा की कसम ये मुनसिफाना नहीं। तुम लोगों का एक ही तो काम है, मुख्तार एक लम्हे के लिए भी कातिलाने हुसैन से किसास लेने से गाफिल नहीं हुआ है। आप लोग राह निजात को अपना खून निसार करने में देख रहे थे और मुख्तार मलून शयातीन का नापाक खून बहाने में। मकसद एक है मगर रास्ते दो हैं। तो क्या तुम समझते हो कि तवाबीन ख्वामा ख्वा खुदकुशी करने के लिए ऐन अलवर्दा की तरफ गए थे? हमारी जीत में सिर्फ एक कदम का फासला रह गया था और वो कदम मुख्तार था जो कि न था। जहां तक मैं मुख्तार की गैरतमंदी से वाकिफ हूँ, ये कह सकता हूँ कि मुख्तार सुलेमान से तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद भी ऐन अलवर्दा की तरफ चला था। अगर जुबेरियों की गुलो जंजीर का कैदी ना होता। मतलब मुख्तार कैद में था? अब तक कैद में है। मगर क्यों? क्यों का सवाल जुबेरियों के कारिंदे से पूछो। जिस दिन उसके पास सुलेमान का खत आया उसी दिन आधी रात को मुख्तार के घर पहुंचकर उसे कैद करके ले गए थे। इस तरह तो मुख्तार का कोई कसूर नहीं है। मकार तो बिन यजीद है जो अली के शियों से दोस्ती का इजहार करके उसके पीठ पर छुरा घोंप देता है। यकीनन मुख्तार को आले जुबैर की मुखालफत के जुर्म में कैद किया है। हम कूफे के जिंदान पर हमला करके मुख्तार को छुड़ा सकते हैं। नहीं मुसन्ना, मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहनी चाहिए। फिर मुख्तार का क्या होगा जो कैद में है? अगर मुख्तार के कयाम की खबर छुपी रहे और किसी को पता न चले तो जुबेरियों के पास मुख्तार को कैद रखने का कोई सबूत ही नहीं बचेगा। जब उन्होंने उसे कैद किया था तो उनके पास कोई सबूत था? उन्होंने मुख्तार को इसीलिए कैद किया कि वो तवाबीन की मदद न करे। क्या मतलब? क्या बिन यजीद नहीं चाहता था कि तवाबीन ऐन अलवर्दा के फातह बन जाए। वो तवाबीन के कूफे में होने को आले जुबैर की हुकूमत के लिए खतरा महसूस कर रहा था। वो चाहता था कि ये लोग शिकस्त खा लें ताकि कूफे में उनकी कोई ताकत ना बचे। सुभान अल्लाह। तो फिर अबू इसहाक ने इस बारे में मरहूम सुलेमान से कोई बात क्यों नहीं की? उसने हमें जुबैरियों के इरादे से आगाह क्यों नहीं किया? ये भी बिन यजीद की चाल थी कि उसने बड़ी सफाई से मुख्तार और मरहूम सुलेमान के दरमियान फूट डाल दी। इस तरह तो वो ऐन अलवर्दा के शहदा का खून इस खयानतकार बिन यजीद के सर है। सियासत में इस तरह के खेल बहुत होते हैं रुफाए। इसीलिए अबू इसहाक कहता है कि सियासतबाजों से सियासत के साथ ही लड़ना चाहिए।
ابو اسحاق سے کہو کہ توابین تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا لکھا ہے اس میں؟ ہم دونوں سے مختار کی آزادی کی درخواست کی ہے، یہ لو تم خود پڑھ لو۔ کیا کریں، سمجھ نہیں آ رہا۔ میری رائے تو یہ ہے کہ ہمیں مختار کو آزاد نہیں کرنا چاہیے۔ تم عمر کے بیٹے کو نظر انداز کر سکتے ہو، میں تو یہ نہیں کر سکتا۔ اگر خلیفہ کی اولاد ہم سے ناراض ہو، یہ اس سے بہتر ہوگا کہ خلیفہ ناراض ہو جائے۔ آزادی مختار کا مطلب وہی پچھلی پریشانیاں اور گھبراہٹیں۔ اگر مختار آزاد ہو گیا تو چین سے نہیں بیٹھے گا، خاص طور پر جبکہ وہ قید کیا گیا ہے اور زخمی بھی۔ مجھے لگتا ہے کہ توابین کی عین الوردہ میں شکست کے بعد شیعوں کے ہاتھ پاؤں کٹ گئے ہوں گے اور ان کا سارا جوش ختم ہو گیا ہوگا، اور یہ مروانیوں کے حریف نہیں ہو سکتے، لہذا وہ مجبور ہیں کہ ہم سے اتحاد کر لیں۔ یہ بتاؤ، خلیفہ کو کیا جواب دو گے اگر ہم نے مختار کو آزاد کر دیا؟ خلیفہ آخر کیوں ناراض ہوں گے جبکہ مختار کا آل زبیر سے کوئی واسطہ نہیں ہے؟ کیا تمہیں یقین ہے کہ مختار آزاد ہو کر آل زبیر کے خلاف سازش نہیں کرے گا؟ اب تک تو نہیں کی۔ میری مانو تو مختار کو مار ڈالیں اور اس کے شر سے نجات حاصل کر لیں۔ لعنت خداوند و شیطان رجیم پر۔ اس چھت کو آخر کتنا گھورو گے مختار؟ تمہاری نگاہوں کی تیزی نے تو چھت میں سوراخ کر دیا۔ اٹھو، تمہارے صبر اور حوصلے نے تمہاری چاہ پوری کر دی ہے۔ آزاد ہو گیا؟ بظاہر تمہاری پشت بہت مضبوط ہے۔ مجھے تو یقین نہیں آتا کہ عمر کے بیٹے کی مہندی آل زبیر کے یہاں بھی رنگ لے آئے گی۔ خلیفہ زادے کے خط نے اپنا کام کر دکھایا۔ یقیناً بن یزید نے عمر کے بیٹے کی سفارش کے بارے میں ابن زبیر سے بات نہیں کی، ورنہ وہ میری آزادی کے حکم کے ساتھ اپنی موت کا حکم صادر نہ کرتا۔ وہ لوگ تم سے وعدہ لینے آئے ہیں تاکہ تم بیعت نہ توڑو اور ہنگامہ آرائی نہ کرو۔ جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ طلعت الخیر کا نواسا تمہاری آزادی کے خلاف ہے، مگر بن یزید نے اسے چپ کرا دیا ہے۔ تم دھیان رکھنا اور اس کو غصہ مت دلانا، اس سے پہلے کہ وہ اپنا فیصلہ بدل لے جلدی کرو۔ تمہارے قدم زندان کے باہر پہنچ جائے تو کوئی تمہارے قدموں کی خاک بھی نہیں چھو سکے گا۔ اپنی شال اور قبا پہنو اور چلو۔ وعلیکم السلام۔ میری آنکھیں اندھیرے میں رہنے سے دھندلے پن کا شکار ہو گئی ہیں، ورنہ میں اہل معرفت کے دیدار میں سلام کرنے میں پہل کرتا تاکہ دگنا ثواب حاصل کروں۔ مختار، جو شخص اپنی کرسی اور منصب کو داؤ پر لگا رہا ہے تاکہ تم کیسے آزاد ہو جاؤ اور اپنی زندگی کی خوشیوں تک پہنچ سکو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں آزاد کرنا میرے لیے تکلیف دہ ہوگا،
मगर क्या करूं, उसने मुझसे तुम्हारी आजादी की दरख्वास्त की जो मेरे लिए निहायत मोहतरम है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी इस नेकी का सिला यूं दोगे कि जब तक हम कूफा में हैं तुम आले जुबैर के खिलाफ कूफे में कोई कदम नहीं उठाओगे और हमारी बेइज्जती नहीं करवाओगे। मेरे अपने और मेरी जमीनें लावारिस पड़ी हुई हैं और मेरी खेती बाड़ी का काम भी तबाह हो गया है। मैं वादा करता हूं कि मेरी तलवार नियाम से बाहर ना आए सिवाय किसी बेलचे के दस्ते को तराशने के लिए या दरख्त की कटाई के लिए। मैं चाहता हूं कि अपनी जायशुदा जिंदगी को किसी हसीन दरख्त की परवरिश में या किसी पौधे के बढ़ने के मंजर को देखने से करता रहूं और अपनी बाकी मानदा जिंदगी अपनी औलाद के लिए वक्फ कर दूं। जाओ मुख्तार, जाओ, तुम अब आजाद हो। अब बाकी जिंदगी का कुछ हिस्सा तवाबीन के यतीम बच्चों पर सर्व करो। कीनातूजियों और दुश्मनियों का कोई समर नहीं है सिवाय कूफे के यतीमों में इजाफे के। आजादी मशरूत है मुख्तार। मशरूत किस बात पर? तुम्हें कलाम इलाही पर हाथ रखकर कसम खानी होगी कि तुम बैत नहीं तोड़ोगे और आले जुबैर के खिलाफ कोई साजिश नहीं करोगे, और अगर कसम तोड़ोगे तो तुम्हें मक्के में 1,000 ऊंटों की कुर्बानी करनी होगी और अपनी तमाम तर मिल्कियत, चाहे औरत हो चाहे मर्द, सबको आजाद करना होगा। ये सच है कि आपने मुख्तार को आजाद कर दिया है? हाँ, मुख्तार आजाद हो गया है। क्यों? क्यों? अब मैं तुम्हें जवाब दूंगा पिसर साद। तुम लोगों को रोजी रोशन मुसलमानों के दारुल हुकूमत में दाखिल होने की इजाजत दी है। हाँ, क्या हमारे दरमियान तय नहीं पाया था कि तुम लोग अपने खाना खराब घरों में बैठे रहो और हमारी और अपनी हर तरह की राव रस्म का इनकार कर दो? हाँ अमीर, मुख्तार की आजादी का हुक्म यानी आपकी और हमारी मौत का हुक्म, यही थी वो सियासत जिस पे आपको इतना नाज था? हाँ जानता हूँ मुख्तार को आजाद नहीं होना चाहिए था, मगर मुख्तार की आजादी उसने मुझसे मांगी जो हम सब के लिए अजीज व मोहतरम है और उसकी हुर्मत वाजिब है। आप पिसरे जुबैर के भेजे हुए हुक्मरान हैं या पिसरे उमर के भेजे हुए हुक्मरान हैं? मुख्तार की आजादी का मतलब फितना यानी आशूब यानी जंग, जंग, जंग। आपने एक खलीफा जादे की दोस्ती का ख्याल क्यों रखा? क्योंकि मेरे कान मेरे अपने नहीं थे, एक ऐसे खलीफा की अजमत और एहतराम से भरे हुए थे जिसने अरब को अजम और तुर्क और तातार और रोम और जंगी और हिंदू पर मुसल्लत कर दिया। ये ठीक है कि खलीफा जादे ने सियासत को छोड़ दिया है, मगर सियासत ने उसे नहीं छोड़ा। यजीद, जो कि यजीद था और किसी खुदा को नहीं मानता था, वो भी अब्दुल्ला इब्ने उमर के हुकुम को मानता था। अमीर, मान लीजिए कि मुख्तार की आजादी इराक की हर हुकूमत के लिए खतरा है, चाहे उमवी हो या जुबैरी। मुख्तार एक अलवी हुकूमत बरपा करना चाहता है, अगर उसे ढील देंगे तो वो अपने ख्वाब सच्चे कर दिखाएगा। मुख्तार कल तक खतरे का बाइस था शेमर, अब वो आवाज ना निकालने वाला मुर्गा है। उसके तवाब भाइयों के शिकस्त खाने से वो भी टूट गया है। दूसरी तरफ हमने कुरान को मुसालियत का जरिया बनाया है, उसने मुखालफत ना करने की कसम खाई है। तो फिर आपने मुख्तार को पहचाना ही नहीं है? वो अपने ख्वाबों के ताजो तख्त को पाने के लिए कुरान तो क्या साहिब कुरान का भी इनकार कर देगा? अगर तवाबीन के पास मुख्तार जैसा कोई रहनुमा होता तो वो लोग ऐनुल वर्दा को मरवानियों का कब्रिस्तान बना देते। मुख्तार खुदा है, सियासत और जंग है। मैं बारहा बारहा उसके आगे मغلوب हो चुका हूँ। शक मत कीजिए कि आपसे भी बहुत बड़ी खता सरजद हो गई है। कल जब ये सांप आप और आपके लोगों को डस लेगा, उस वक्त आप समझेंगे कि जरा सी भी सियासत नहीं जानते।
काफी है उमर साद। काफी है। जिस दिन तुम रे के मोती के लिए हाथ पैर चला रहे थे और खून के दरिया में नहा रहे थे, उस दिन बड़ी मछली की फिक्र करनी चाहिए थी। आज मेरे दामन पर पंजे मार रहे हो और कह रहे हो कि ये बोसीदा है। ये बोसीदा दामन हमारे लिए छोड़ दो। हम जानते हैं कि जो मुख्तसर से सियासत जानते हैं, इससे खुद को कैसे बचाए। तुम जाओ और उन हड्डियों से पना मांगो जिन्हें करबला के मैदान में तुमने दफन किया है। पहले बैत रसूल का रहम मुरव्वत बहुत ज्यादा है, शायद तुम्हें इस मुश्किल से निजात दे दे। तशरीफ ले जाइए। और हाँ, हमने खुफिया तौर पर यह तय किया है कि आप लोग अपने घरों से नहीं निकलेंगे। मैं वादा नहीं कर सकता कि आप जैसों की जान की जमानत कर सकूं। भागो यहाँ से, बकवास बंद करो। तुम लोग भी वही हरकतें करोगे मलून कहीं के। ये सारी बकवासियात मेरे माँ बाप के बच्चों के लिए है। सड़क छाप बदबख्त और बिगड़े हुए बच्चों को सेव देता है, तुम लोगों के लिए नहीं जो खुद बिगड़े हुए हो और दूसरों के लिए नारे लगाते हो। अम्मा जा लिया, बाबा फिर जानी मरीज बन गए। रोना मत मेरी जान, मत घबराओ मेरी बच्ची, तुम्हारा बाप चकरा गया है। यकीनन किसी ने आज इनकी दुम पे पांव रख दिया है, कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया है। बाबा की तो दुम नहीं है, इनका दिमाग कैसे खराब होता है। ये जिन ज्यादा हो गए हैं मेरी जान, तुम लोग कमरे में जाओ ताकि मैं इनका जिन पकड़ सकूं। अफो, कल के बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारे साथ नहीं खेलते। जब घर के अंदर आकर खेलते हैं तो बाबा डांटते रहते हैं। हफ्स भी जब बाहर जाता है तो मुझे अपने साथ नहीं ले जाता। आखिर मैं क्या करूं? मेरा हौसला जवाब दे चुका है। बदतमीज। क्या मतलब है बदतमीज? क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? हमारा क्या वास्ता कि हमारा बाप यजीदी है? जाहिल के बच्चे। खुश रहिएगा, खुश रहिएगा। क्या तरबियत की है आपने? ये जाहिल के बच्चे मेरे लिए अजाब के फरिश्ते बन गए हैं। तुम्हारा दिमाग तो हिल गया है, पांव क्यों हिला रहे हो? पागल हो गया हूँ, तुमने मुझे पागल बना दिया है। क्या ये जिंदगी है कि मुझे घर के अंदर भी वही बकवासियात सुनने को मिलेगी जो गली के लोगों का विरद ज़बान है? शाबाश है मोहतरमा, क्या पूरा अमन घर बनाया है मेरे लिए। ये घर पूरा अमन था, तुमने इसे भी अमन बनाया। ये सवाल मुझे पूछना चाहिए ना कि तुम्हें। जी हाँ, जाहिर है बानो मोहतरमा को पूछना चाहिए कि उनके घर के बावर्ची खाने में दुम्बे की बिरयानी जो नहीं बनती, उनको मखमल हरियर और महंगे लिबास पहनने को नहीं मिलते, उनको हीरे मोती और सोने का ग्लूबन जो मैसर नहीं है, उनके पास कनीजे और नौकरानियां नहीं है ना। मैं सद के जाऊँ बानो पर कि इतनी गुर्बत और खाक नशीनी की जिंदगी गुजार रही है कि अब थक गई है। मैं किसी चौराहे पर बैठे भुखमंगे की बेटी नहीं थी शहजादे। मैं उस रात महल में रहने वाली थी जब मेरा हाथ मांगने आए थे, भूल गए? बस भी करो जारिया,
तुम तो मेरा दिमाग ताजा मत करो। ये तुम हो जो जिंदगी को अपने मेरे और बच्चों के लिए जहरीली बनाते जा रहे हो। फिर मुख्तार कैसे आजाद हुआ नहीं कि खौफ और हिरासत ने हमारे घर को घेर लिया। उमर, कुफो अब रहने की जगह नहीं है। तुमने इन गलियों और लोगों से क्या अच्छा देख लिया जो दोनों हाथों से इस खराबे को पकड़कर बैठ गए और छोड़ना नहीं चाहते। तुम भूल गए कूफा की औरतों ने भी तुम्हें किस जिल्लत और ख्वारी के साथ मस्जिद कूफा से बाहर निकाला, तुम पर पत्थर और डंडे बरसाए, तुफ और लानत की। हम कूफे से चले क्यों नहीं जाते? कहाँ चले जाएं औरत, मेरी तमाम जायदाद इसी खराबे में है। उमर, चलो कुछ अरसे के लिए शाम या हिजाज की तरफ चलते हैं, जब तक कूफे के हालात ठीक हो जाए। अपनी जायदाद किसी अमानतदार के हवाले कर दो कि हमारे आने तक उनकी देखभाल करे। ये लोग इतने चोर हैं कि इधर हमने कूफे से बाहर कदम रखा और ये सब कुछ बेच खाएंगे। जब तुम्हारी जान तुम्हारी जायदाद में अटकी हुई थी तो तुम रे कैसे जाना चाहते थे? तुमने अपने आप को नाफहम क्यों बना रखा है जारिया? रे का मामला अलग था, और फिर मुझे कूफे से क्यों चले जाना चाहिए? कूफा किस खबीस की मिल्कियत है जिसे मैंने चुराया है? कूफे में क्या होना है जो मैं जाऊं? मुख्तार और उसके जैसे लोग क्या बिगाड़ लेंगे? तवाबी ने जो इतने सारे हंगामे किए उनका क्या हुआ? हम कूफे से चले जाएं। मैं कूफे से चला जाऊं ताकि सब ये बोलें कि पिसर साद ने कोई छुपने की जगह ताक ली है और अपनी दुम सर पे रखकर भाग गया है। सारे चोर चके तुम्हारी जान के पीछे हाथ धोके पड़ जाए, तुम्हारी ये दुर्गत बना दे। कसूर आपका है जो मुझे तलवार ले जाने से मना करती हैं। किससे लड़के आए हो? और उस शख्स से जो मेरे बाप की तोहीन करे। अगर मेरे पास तलवार होती ऐसा काम करता कि कूफे की हमला औरते जब उमर साद के बेटे को देखें तो अपना हमल गिरा दें। बेटा। जी बाबा। तुम लड़े क्यों थे? और यान के साथ नहर पर मछली पकड़ने गया था कि माई गिरोह के 6-7 बच्चे हमारा रास्ता रोक के खड़े हो गए कि यह हमारा कब्जा है, तुम्हें यहाँ शिकार का हक नहीं। और यान डर गया, वो वापस लौटना चाहता था। मैं उनके सामने डटकर खड़ा हो गया। कब्जे का क्या मतलब है? नहर तो सबके लिए है, नहर खुदा की है। हमारी भैंस बढ़ गई, उरियान के मुंह से निकल गया, जानते हो किससे लड़ रहे हो? ये उम्र सात का बेटा है। उन खबीसों ने कहका लगाकर मेरा मजाक उड़ाया। एक ने आपको गाली दी, मैंने उसे मारा, सब मुझ पर टूट पड़े। कौन सी गाली दी? बेहतर होगा क्या आप ना सुने। बहुत ही बुरी गाली दी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। नाक से खून बह रहा है, थोड़ा सा सर भी फटा है। अगर उरियान नहीं भागता तो उनका हशर नचर कर चुके होते हम। मैं एक था, वो लोग साथ थे। हैव की तलवार नहीं थी मेरे पास। आज के बाद जहां भी जाओगे तलवार हमाइल करके जाओगे। इन कूफियों से अब सिर्फ तलवार की जबान से बात करनी होगी। क्या करना चाहते हो? मैं वाली कूफा की माजूली का हुक्म लिख रहा हूँ। तुम कब तक इस खतों किताबत पर दिल बहलाते रहोगे? अपने मुंह को घार में छुपा लिया है, रतराफ की खबर नहीं लेते। आज कूफा यजीद और उसके साथियों से बेजार है। तुम शिम्र और तुम लोगों के साथी अहले कूफा के मनफूर हो। कूफा के बच्चे रोजाना तुम लोगों की शक्लें लकड़ियों पर लेकर मजाही अशार पढ़ते हुए गलियों में घूमते हैं। अगर तुम जैसे लोगों की जुबेरियों के नजदीक कोई कदर व मंजिलत होती तो वो तुम लोगों को खाना नशीन नहीं करते। तुम अपने ही घर में कैदी हो उमर, यकीन क्यों नहीं करते? खुदा की कसम हमारे पास कूफा छोड़ने के सिवा कोई हल नहीं है। जारिया, अगर आंधी भी आ जाए तो वो भी मुझे कूफे से नहीं हिला पाएगी। अब तुम बोलती रहो।